सुरसी मारने की दवाई मात्र सुरसियों को नहीं मारती, वो आदमियों को ही मार देती है। चूहे मारने की दवाई चूहे चूहे को नहीं मारती, वो बत्तख को भी मार देगी, वो आदमी को भी और हाथी को भी मार देगी। ऐसी प्रकार से एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को ही नहीं मारती है, वो आदमी को ही मारती है, आदमी को मारती है। तो वही एंटीबायोटिक जब आदमी के शरीर में अगर एक अति मात्रा में पहुंच जाएगी, आपको पता है एंटीबायोटिक कितनी मात्रा तक दी जा रही है, 4000 mg तक दी जा रही है आजकल पेशेंट को, सॉलिड फॉर्म में जो प्रिस्क्राइब है, मेरे पास प्रिस्क्रिप्शन पैड पड़े हैं डॉक्टर्स के, आप तो मैं शेयर करूंगा, उनको देखना आप, एक एक बार में 4000-5000 mg की टेबलेट दी जा रही है। तो ये बताइए वो आदमी मरेगा या नाचेगा? निश्चित तौर पर उसकी तो... जो उसकी नसों के अंदर खून के अंदर जो बैक्टीरिया है जो उसको जीवित रखते हैं उस मनुष्य को, जो उसकी आंतों में बैक्टीरिया है जो उसको जीवित रखते हैं, उसके भोजन को पाचन में सहायक होते हैं जो एंजाइम्स हैं, वो मरेंगे बिल्कुल। और पीसीएम ने क्या किया, बुखार उतार दिया, ठंडा करते रोगी सोचता है मैं स्वस्थ हो गया हूँ, फिर क्या करता है, फिर वो 4 चपाती और 1 कटोरी दही की खा लेता है, फिर वो अंदर जाएगा, वो सब चाहे सब्जी ही खा ली मान लो, चाहे उसने पहाड़ ही खा लिए, क्योंकि बुखार उतर गया, उसको भूख लगनी है, वो आर्टिफिशियल भूख होनी है वो, और फिर क्या करता है वो भोजन कर लेता है, भोजन करते ही फिर उसको बुखार होता है। अब भोजन अंदर सड़ेगा पचेगा नहीं, क्योंकि बैक्टीरिया तो अंदर है ही नहीं, एंजाइम्स तो है नहीं अंदर, वो तो एंटीबायोटिक ने मार दिए। इस प्रकार से पहले वाला तो आम निकला नहीं था, दूसरा आम और बन के तैयार हो गया। वो तो दिन बाद खांसी शुरू हो जाएगी उसको, वो आम इतना ज्यादा मात्रा में बढ़ जाएगा आंतों के अंदर, वो ऊपर की तरफ उठना शुरू होएगा, जहां से उसको मार्ग मिलेगा शरीर उसको बाहर निकालने की कोशिश करेगा, अगर किसी का स्टमक ठीक होगा अच्छा मजबूत होगा तो खांसी के माध्यम से निकाल लेगा बाहर, अगर स्टमक कमजोर होगा तो दस्त लग के आम के माध्यम से निकल जाएगा। कभी भी बुखार में या तो खांसी होती है या दस्त लगते हैं, सही बात है। तो ये प्रक्रियाएं शरीर स्वयं करता है, अब दस्त लगेंगे तो कब्जी की गोलियां दे देंगे, वहां भी सारा नाश करेंगे, क्योंकि वो निकाल रहा था, वहां भी प्रक्रिया को रोक देंगे। अगर कफ ज्यादा हो गया है तो उसको स्टीरॉइड्स वगैरह देके उसको सुखा देंगे, उस कफ को भी निकलने देंगे, जो खांसी हो रही है उस कफ को, जो शरीर के अंदर से शरीर अपने आप को साफ करना चाह रहा है उस खांसी को भी शांत कर देंगे इन एलर्जी को या स्टीरॉइड्स देके। अब वो सूख जाएगा, सूख सूख के तर बर तर तर पे परत पे परत परत पे बर्त फेफड़ों की जो झिल्लियां होती है उनमें जमा होता रहता है। जैसे ही खांसी उठेगी तभी दाग डाल देंगे उसके को, क्या बोलते हैं पाइपलाइन लगाए रहते हैं ग्लूकोज वाली, ठीक है। अब उसको दवाइयां डालते रहते हैं तो वो सूखता रहता है, मरीज सोचता है मजा आ गया, फिर खाना दे देंगे उसको कुछ ना कुछ, फिर आम बनेगा, और एक दिन वो छाती जमा होके और एक दिन वेंटिलेटर पे जाके उसका राम नाम सत्य हो जाता है। 3,000-4,000 साल पुराने पहले आयुर्वेद शास्त्र कहता है कि जो वैद्य या डॉक्टर आम जवर में, इसको बोलते हैं आम जवर, जो आम के कारण उत्पन्न हुआ है, यही आम जब आंतों में जमा होता है और ये गर्मी ग्रीष्म ऋतु के आने पर जब ये मल जमा शुरू करता है तो आंतों के अंदर कुछ संक्रमण पैदा होता है, कुछ बैड बैक्टीरिया पैदा होते हैं, तो वो बैड बैक्टीरिया आंतों को भी खा लेते हैं थोड़ा थोड़ा, जिस बैक्टीरिया को मारने के लिए ह्यूमन बॉडी एंटीबॉडीज पैदा करती है उन बैक्टीरिया को मारने के लिए।